गल एवे भाई, जिथे बैठे हैं रिजक अपना कमाने है, काम ठीक करना है, अल्लाह पाक रोजी दे दे, सेट करना है यार कि नहीं, सही बनाओ अपनी नीयत ना, सही साफ कर दे अपनी तरफ पूरी कोई बात नहीं। इसी मटेरियल के क्या इस्तेमाल करना है, जैसे पैन पहनी, रेत पहनी, सीमेंट पहना, रंग पहना, फरना, तेल मारने, मोबिलाइज तो डीजल मिक्स होना, मिक्सचर है बस सिस्टम नहीं। धड़ा धड़ा ठीक रहना है या ये पेन बाज लोगों की टैल मोटी तो होंगी लेकिन उसकी जो वो नहीं होनी, उठाना भी दूगा कमजोर होनी है। हाँ वही वजह मटीरियल सही नहीं होना। चलो अल्लाह कामयाब करे तो बिल्कुल ऑर्डर होने काम होना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त नियाज अहमद। दोस्तों आज मैं आप लोगों को टफ टैल का रिव्यू करवाऊंगा, और टफ टैल और जो पैप बनते हैं उस फैक्ट्री में आज हम आए हुए हैं। कुछ टैल हमने ख़रीदनी थी तो मैंने सोचा चलें दोस्तों के लिए वीडियोस भी बना लूं, ताकि जिन दोस्तों को नहीं पता तो उनको भी पता चल जाए कि टैल किस किस्म की होती है और कहाँ से मिलती है। ये हमारे दोस्त हैं साजिद भाई, ये उनकी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री ठंडा पानी स्कूल स्टाफ के साथ ही बिल्कुल जुड़ी हुई है। बहुत ही अच्छी किस्म की ये टैल बनाते हैं और बहुत अलग किस्म का ये मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत सारे फैक्ट्रियों से माल ख़रीदा है, लेकिन जब से इनकी फैक्ट्री से माल ख़रीदना शुरू किया है तो मैं किसी और फैक्ट्री में नहीं जाता, क्योंकि इनके मटेरियल में एक तो क्वालिटी है, दूसरे नंबर पे इनका मटेरियल की मजबूती ज़्यादा है, सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पैन इस्तेमाल होती है। बाकी फैक्ट्री वाले लोग चीज़ तो बनाते हैं लेकिन उसमें पैन इस्तेमाल नहीं करते, वो खाका इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट भी कम इस्तेमाल होता है, और दूसरे नंबर पे वो जो टाइल के अंदर रंग की मिलावट होती है, जो रंग होता है वो रंग कच्चा रंग इस्तेमाल करते हैं, तो धूप में जब टफ टाइल लग जाती है तो उसका रंग उड़ जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें, और इस वीडियो के अंदर आपको मैंने दे दिया है तो आप यहाँ पे जाके विज़िट करें और इनसे आप टैल ख़रीदें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक तो फ़ायदा होगा और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को चीज़ अच्छी मिल जाएगी। ये आ गए हम पैप के पोर्शन में आ गए हैं, जहाँ पे पैप की फ़िटिंग होती है। ये देख लें, बहुत ही मेहनत वाला काम है, बहुत ही नफासत से ये काम करते हैं और बहुत मेहनत होती है। पहले पैपों की ये भराई करते हैं, उसमें जाला लगाते हैं, जाला लगा के फिर उसको कवर लगाते हैं लोहे का, उसके बाद फिर पैन, रेत और सीमेंट के साथ मिसाला बनता है, और उसके बाद ये साजिद भी ये रेट सारा ना ही होना है, शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रेट है। तो ये देखें ये ब्लैक पसंद की है। अच्छा ये हम लोड करवा रहे हैं, यानी कि 250 रुपये का चौका बांध जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब। नहीं जाता, नहीं जाता, छोड़ दो। और कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। और अगर किसी बंदे को साजिद भाई से कॉन्टेक्ट करना है तो साजिद भाई का नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।